Good morning. I am Dr. Sandeep Yadav, Associate Professor, Government College, Bundi. Today's topic is fluvial landforms ya nadi dwara nirmit sthal akritiyan. Nadi apardhan ke karya vibhin prakar se karti hai. Mukhyatah hydration जो कि जल गति क्रिया है। इस क्रिया में जल का वेग सहायक होता है। कंकर, पत्थर या अन्य किसी साधन के बिना ही जल मार्ग की शैलों पर प्रहार करके उन्हें ढीला व कमजोर बना देता है तथा बहाकर ले जाता है। कोरोजन यह नदी के जल की रासायनिक क्रिया है। अनेक गैसों, लवणों तथा क्षारों से युक्त जल में पदार्थों को घोलने की अद्भुत क्षमता होती है और इसी के आधार पर नदी बहते हुए रासायनिक क्रिया करती है जिससे चट्टानों में अपरदन होता है। एट्रिशन या सन्निघर्षण नदी के जल के साथ प्रवाहित कंकड़, पत्थर एवं शिलाखंड दो प्रकार से कार्य करते हैं। पहला तो ये तली व किनारों को घिसते हैं और दूसरे स्वयं कि परस्पर टकराकर टूटते फूटते हैं। इस क्रिया में उनका आकार सूक्ष्म तथा महीन हो जाता है। कोरोजन या एब्रेशन इसे अपघर्षण कहते हैं। जल के साथ बहते हुए शिलाखंड, कंकड़, पत्थर आदि अपरदन यंत्र की तरह कार्य करते हैं। जल के तेज प्रवाह के साथ शिलाखंड समीपवर्ती शैलों पर प्रहार करके उन्हें क्षीण बनाते हैं। कठोर चट्टानों को रगड़कर और घिसकर चिकना कर देते हैं। स्वच्छ जल में अपघर्षण की क्षमता बहुत कम होती है। डाउन कटिंग या वर्टिकल इरोजन इसे हम निम्न कटाव भी कहते हैं। ये नदी की बहते समय नदी अपने तली के अंदर जो कटाव करती है या अपरदन करती है उसे हम डाउन कटिंग या वर्टिकल इरोजन कहते हैं। लेटरल इरोजन या पार्श्विक अपरदन इसमें नदी अपने किनारों पर घाटी के चट्टानों के किनारों पर उसको पे अपरदन करते हुए उसको चौड़ा करती है। फिर हेडवर्ड इरोजन जो है शीर्षवर्ती अपरदन इसमें नदी बहते हुए आगे की तरफ में चट्टानों को काटते हुए अपनी लंबाई को लंबा करती है। नौ रिवर वैली फॉर्मेशन या नदी घाटी का विकास। सर्वप्रथम नदी अपनी तली काटकर उसे गहरा करती है जिसके कारण नदी घाटी का आकार अंग्रेजी भाषा के वी आकार के समान हो जाता है। नदी की घाटी अत्यंत तंग व संकड़ी होती है। इन घाटियों का निरंतर विकास होता है जिससे गहराई तथा आकार दोनों में वृद्धि होती है। आकार के अनुसार वी आकार की घाटी को दो भागों में बांटा जा सकता है, गॉर्ज या कैनियन। गॉर्ज सामान्य रूप से बहुत ही गहरे और संकरी घाटी को कहते हैं। वी आकार की घाटी का ढाल अधिक तीव्र होने पर गॉर्ज का निर्माण होता है। गॉर्ज के विस्तृत रूप को ही कैनियन कहते हैं। गॉर्ज के दोनों किनारों की दीवारें खड़े ढाल वाली होती हैं तथा नदी तल से ऊंची अधिक होती हैं। गॉर्ज तथा कैनियन के उदाहरण हर महाद्वीप में मिलते हैं। हिमालय पर्वत में सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों के गॉर्ज दर्शनीय हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की कोलोराडो नदी के ग्रैंड कैनियन संसार का प्रसिद्ध कैनियन का एक उदाहरण है। यह 483 किलोमीटर लंबा और इसकी गहराई 2.88 किलोमीटर तक है। जैसे जैसे नदी की जो अपरदन चक्र है वो आगे बढ़ता है या एक तरीके से थोड़ा सा व्यस्क होने लगता है उसमें लेटरल इरोजन स्टार्ट हो जाता है, पार्श्विक अपरदन शुरू हो जाता है और जो उसकी नदी तली को विभिन्न चरणों में, ये चित्र के अंदर चार चरण दिए हुए हैं कि नदी पहले यू आकार में बह रही है,
उसके बाद उसके ऊपरी किनारों के ऊपर अपरदन से चट्टाने अपक्षय और उसकी वजह से कमजोर होती हैं और वो वजन की वजह से नीचे सरक जाती हैं और वी का आकार लेना शुरू करती हैं। इस ये विभिन्न चरण जो हैं इसमें नदी घाटी का वी आकार में बताना नदी की युवावस्था। इसमें नदी काफी तेज गति से बहती है, ऊर्जावान होती है और शीर्षवर्ती अपरदन करती हुई आगे बढ़ती है। मुख्य इसके जो स्थल आकृतियां निर्माण जो होती हैं इसमें वह है वी आकार की घाटी, जलप्रपात और शिप्रिकाएं। ज्यादातर हिमालय से निकलने वाली नदियां अपनी युवावस्था में पाई जाती हैं। शिप्रिकाएं नदी की तली में असामान्य चट्टान संरचना पाई जाती है। जब विषम ढाल होने पर जल कहीं मंद एवं कहीं तीव्र गति से बहता है। इस असामान्य गति के कारण शिप्रिकाएं उत्पन्न होती हैं। कभी-कभी शिप्रिकाओं की उत्पत्ति जलप्रपात की ऊंचाई कम होने पर भी होती है। ज्यादातर शिप्रिकाएं लघु जलप्रपात कह सकते हैं और जो बीच-बीच में कमजोर चट्टानों का अपरदन हो जाता है और कठोर चट्टानें मार्ग में रह जाती हैं तो उससे पानी उछल उछल के आगे की तरफ में गिरता है जिसे हम शिप्रिका कहते हैं। जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के ऊपरी भाग से अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसे हम जलप्रपात कहते हैं। इस तरह की स्थिति उस समय आती है जबकि नदी के मार्ग में कठोर तथा मुलायम चट्टानों की परतें या तो क्षैतिज अवस्था में मिलती हैं या लंबवत नदी का जल मुलायम चट्टानों को तो काट डालता है परंतु कठोर चट्टान को नहीं काट पाता। फलस्वरूप जल उसके ऊपरी भाग से नीचे की ओर गिरने लगता है। ये चित्र दिया है जिसमें ये कठोर चट्टान है और मुलायम चट्टानों का दिया हुआ है। मुलायम चट्टानें नीचे की तरफ से पानी के वेग की वजह से अधिक कट गई हैं, कठोर चट्टानें रह गई, उसकी वजह से जल ऊपर से नीचे की तरफ में गिरता हुआ दिखा। कुंचिकाल जलप्रपात वराही नदी के कर्नाटक में शिमोगा जिले में पाया जाता है जो भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। नौकल्लिकैव जलप्रपात चेरापूंजी के नजदीक पाया जाता है और ये एक तरीके से इसको जलप्रपात ना कहें इसे ये प्लंज वाटरफॉल है। प्लंज वाटरफॉल का मतलब होता है जब एकदम पठार पे से पूरी नदी पानी नीचे की तरफ में गिरता है तो उसे हम प्लंज वाटरफॉल कहते हैं। इसी प्रकार से जोग जलप्रपात श्रवती नदी जो कि कावेरी की सहायक नदी है वो भारत का दूसरा ऊंचा प्लंज वाटरफॉल है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स है जो वेनेजुएला में है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। टुगेला फॉल्स विश्व का दूसरे नंबर का ऊंचाई वाला जलप्रपात है जो कि दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। पॉटहोल्स या जल गर्तिका नदी की तली में जल भंवर के साथ साथ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े तेजी से चक्कर लगाते हुए छोटे गर्तों का निर्माण करते हैं। इस तरह के टुकड़ों के छेदक या घर्षण यंत्र कहते हैं। जल गर्तिका का व्यास कुछ सेंटीमीटर से लेके कई मीटर तक होता है। जब जल गर्तिका की गहराई तथा व्यास अधिक होता है तो उसे अवनमन कुंड कहते हैं। नदी की प्रौढ़ अवस्था इसमें नदी की वेग थोड़ा सा कम होता है और इसमें जो ऊर्जा होती है वो युवावस्था के मुकाबले काफी कम होती है। इसमें अपरदन नदी के घुमावों के सहारे जिससे विसर्पों का निर्माण होता है और जो जमाव होता है वो नदियों के आंतरिक घुमावों के सहारे होता है। इस तरीके के जो है
इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्र मैदान में अधिक पाए जाते हैं इस तरीके की चीजें। संरचनात्मक सोपान, नदी के मार्ग में कभी कभी कठोर तथा कोमल चट्टानों की परतें क्रमशः एक दूसरे के बाद क्षैतिज अवस्था में मिलती हैं। इस परिस्थिति में नदी के द्वारा विशेषक अपरदन द्वारा कठोर तथा मुलायम चट्टानों का कटाव विभिन्न दर से होता है। कठोर चट्टानों की अपेक्षा कोमल चट्टानें शीघ्र कट जाती हैं तथा कठोर एवं प्रतिरोधी चट्टानें निकली रहती हैं। किस तरह विशेषक अपरदन द्वारा सोपानाकार सीढ़ियों को नदी की घाटी के दोनों ओर निर्माण हो जाता है। इन सोपानों को संरचनात्मक सोपान कहते हैं। ये जो सोपान है ये नदी घाटी के विभिन्न जल स्तरों को भी व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं। गली या अवनालिका, ये नदी द्वारा बहते हुए पानी से शुष्क प्रदेशों में या अर्ध शुष्क प्रदेशों में पाए जाने वाली स्थल आकृति है। बरसात के समय जब पानी सतह के ऊपर से बहकर नदी में मिलता है, तब वो अपने मार्ग में नालियां सी काटता हुआ चले जाता है, जिससे लंबी लंबी सी रेत की दीवारें सी खड़ी हो जाती हैं। चंबल के बीहड़ और पंजाब में होशियारपुर के चोर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। मिएंडर्स या नदी विसर्प। प्रॉड नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो निम्न कटाव की अपेक्षा क्षैतिज अपरदन अधिक सक्रिय होता है। परिणाम स्वरूप नदी अपनी घाटी को गहरा करने के बजाय चौड़ा करने लगती है। इस अवस्था में नदी का मार्ग ना तो समतल होता है ना एक समान चट्टानों का ही बना होता है। अतः नदियां सीधे मार्ग में प्रवाहित ना होकर टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलती हैं। इस कारण नदी के मार्ग में छोटे बड़े मोड़ बन जाते हैं और इन मोड़ों को ही नदी विसर्प कहते हैं। उपरोक्त चित्र में दिखाया गया नदी में कैसे धीरे धीरे जमाव किनारों पे हो रहा है और नदी मुड़ती चली जा रही है और वो धीरे धीरे विसर्पों का निर्माण कर रही है। इस प्रकार के विसर्प चंबल नदी राजस्थान में बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं कोटा के नजदीक। नदी विसर्पों से ही जुड़ी हुई एक आकृति है ऑक्सबो लेक या गोखरू झील। मैदान में ढाल प्रवणता कम होने के कारण नदी का वेग एवं उसका परिवहन क्षमता कम हो जाती है, तब वह अतिरिक्त जलोढ़क का पार्श्वों पर निक्षेपण करने लगती है, जो कि पिछले चित्र में हमने देखा था। मंद प्रवाह के कारण मार्ग में जरा सी बाधा आने पर वह मुड़ जाती है। प्रौढ़ नदी अपने बाहरी तट का अपरदन तथा भीतरी तट पर निक्षेपण करती है, इससे विसर्पों का क्रमिक विस्तार होता है। विसर्प की ग्रीवा अत्यंत संकरी हो जाने के पर बाढ़ के समय वह कट जाती है तथा नदी सीधा मार्ग ग्रहण करती है। कटे हुए विसर्पों में जल भरा रह जाता है, जिन्हें गोकरू झील या चापाकार झील भी कहते हैं। पेनी प्लेन या समप्राय मैदान। समप्राय मैदान का निर्माण उस समय होता है जबकि नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपरदन द्वारा सतह की असमानताएं दूर हो जाती हैं। इस समय क्षैतिज अपरदन तथा निक्षेपों दोनों मिलकर प्राय समप्राय मैदान का निर्माण करते हैं। प्रतिरोधी चट्टानों के भाग अपरदन अवशेष के रूप में इधर उधर सामान्य सतह के ऊपर दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें मोनाड नॉक कहते हैं। ये जो चित्र इसमें स्लाइड में हम दर्शा रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी किनारे पर देखने को मिलता है। ये नदी के द्वारा एक पेनी प्लेन का निर्माण हुआ है, जिसका चित्र इसमें दर्शाया गया है। नदी की वृद्धावस्था, इसके अंदर नदी का वेग अत्यंत धीमा हो जाता है और वेग धीमे होने की वजह से जगह जगह छितले जगहों पर नदी द्वारा निक्षेपण शुरू हो जाता है और उन निक्षेपणों की वजह से अस्थाई द्वीपों का निर्माण होता है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी आसाम के अंदर माजुली एक
नदी द्वीप देखने को मिलता है। और इस वृद्धावस्था की अंतिम जो वह अवस्था है जिसको हम डेल्टा कहते हैं, ये आगे हम जब नदी के निक्षेपणों का पढ़ेंगे, निक्षेपणों से स्थल आकृतियों का जो निर्माण हो रहा है उसमें इसको हम अच्छे से देखें। निक्षेपण स्थल आकृतियां, नदी द्वारा अपर्दित एवं प्रवाहित पदार्थों को किसी स्थान पर एकत्रित करने को निक्षेपण कहते हैं। वास्तव में निक्षेपण अपर्दन क्रिया का ही प्रतिफल है। निक्षेपण क्रिया निम्न कारणों से होती है, नदी के वेग में कमी। अब नदी के वेग में कमी होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे नदी के ढाल में कमी, पटल विरूपण की क्रिया तथा अधिक अपर्दन के कारण नदी के मार्ग के ढाल में कमी संभव है, नदी के जल में वृद्धि, संकीर्ण धारा होने पर जल का वेग अधिक होता है किंतु जब जल विस्तृत धारा के रूप में फैलकर बहता है तो उसका वेग कम हो जाता है। प्राय पर्वतों से उतरकर मैदानों में प्रवेश करने पर तथा बाढ़ के समय नदी का जल फैलकर बहने लगता है। यह नदी मार्ग में अवरोध, प्राय भूमि स्खलन के कारण बड़े शिलाखंड नदी के मार्ग में अवरोध या बाधा पैदा करते हैं। कभी कभी नदी के साथ बहते हुए जलोढ़क से भी नदी के प्रवाह में अवरोध उपस्थित होता है। या जल के आयतन में कमी, जलवायु परिवर्तन या वर्षा की कमी के अधिक वाष्पीकरण, अधिक निस्पंदन या जल के रिसने की क्रिया, नदी अपहरण, अधिक नहरें निकालने, मुख्य जलधारा के कई शाखाओं में बढ़ जाने आदि कारणों से नदी के जल के आयतन में कमी आती है। या नदी के बोझ में वृद्धि, जब नदी में जलोढ़क की मात्रा अधिक, उसकी परिवहन की सामर्थ्य से अधिक हो जाती है तो वह नदी अभिभारित कहलाती है और इसकी वजह से निक्षेपण शुरू होता है और कई प्रकार की निक्षेपण स्थल आकृतियों का निर्माण होता है। नदी की मुख्य निक्षेपात्मक स्थल आकृतियां हैं जलोढ़क, पंख एवं शंकु। जलोढ़ पंख सरिता द्वारा रचनात्मक स्थल रूपों में महत्वपूर्ण होता है तथा नदी की तरुण अवस्था के अंतिम तथा प्रौढ़ अवस्था के प्रथम चरण का परिचायक होता है। नदियां अधिक बोझ के साथ जब पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे उतरकर समतल भाग में प्रवेश करती हैं तो उनके वेग में अचानक कमी आ जाती है। इस कारण चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों से लेकर बारीक टुकड़े पर्वतीय ढाल के आधार के पास जमा हो जाते हैं, क्योंकि नदी की परिवहन शक्ति में कमी हो जाने के कारण इन पदार्थों का परिवहन नहीं किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप पर्वतीय ढाल के आधार तल के पास अर्धवृत्ताकार रूप में पदार्थों का निक्षेपण हो जाता है जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। इन पंखों की संरचना इस प्रकार की कमी होती है, इस प्रकार की होती है कि बारीक कणों का निक्षेप पंख के किनारे वाले भाग में होता है तथा बड़े कणों का जमाव ढाल के पास होता है। जलोढ़ शंकु वास्तव में जलोढ़ पंख ही होते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि शंकु की अपेक्षा पंख का ढाल मंद होता है। शंकु के निर्माण के लिए जल की कमी तथा अधिक मलबे की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत पंख की रचना में जल की मात्रा मलबे की अपेक्षा अधिक होती है। प्राकृतिक तटबंध, नदी के दोनों किनारों पर मिट्टी के जमाव द्वारा बने लंबे लंबे बंधों को, जो कि कम ऊंचाई वाले कटक के समान होते हैं, तटबंध कहलाते हैं। चूंकि ये बंध प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं तथा इनसे बाढ़ के समय सुरक्षा होती है, अतः इन तटबंधों को प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। तटबंध प्रत्येक नदी में सदैव नहीं मिलते हैं, इस कारण जहां कहीं भी प्राकृतिक तटबंध निर्मित हो जाते हैं वहां ये विचित्र स्थल रूप का प्रदर्शन करते हैं। तटबंध का निर्माण नदी द्वारा मलबे के निक्षेप के कारण होता है। ये चाइना के अंदर हुआंगो नदी में अधिक देखने को मिलते हैं। नदी डेल्टा, नदी द्वारा निर्मित रचनात्मक स्थल रूपों में डेल्टा का सर्वाधिक महत्व है। प्रत्येक नदी जब सागर या झील में गिरती है तो उसके प्रवाह में अवरोध एवं वेग में कमी के कारण नदी के मलबे का निक्षेप होने लगता है, जिससे एक विशेष प्रकार के स्थल रूप का निर्माण होता है। इस स्थल रूप को डेल्टा कहते हैं। इसका डेल्टा नाम ग्रीक अक्षर
त्रिकोण या डेल्टा के आधार पर किया गया है। सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग नील नदी के मुहाने पर हुए निक्षेपात्मक स्थल रूप के लिए किया गया था। डेल्टा के आकार में अंतर पाया जाता है। कुछ डेल्टा चापाकार होते हैं, कुछ पक्षियों के पैर के समान, कुछ लंबे व संकड़े तथा कुछ अधिक चौड़े होते हैं। डेल्टा नदी के अंतिम भाग का वह समतल मैदान होता है जिसका ढाल सागर की ओर होता है। चापाकार डेल्टा। चाप या धनुष के आकार की डेल्टा बजरी, रेत, सिल्ट आदि बड़े कणों से निर्मित होते हैं, अतः इनके ऊपर बहती हुई नदी कई शाखाओं में बट जाती है। वर्षा काल में प्राय ये मार्ग बदलती रहती है। ऐसे डेल्टा प्रगतिशील होते हैं जो क्रमशः सागर की ओर अग्रसर होते हैं। नील, गंगा, सिंध, राइन, वांगो, इरावदी, वोल्गा, डेन्यूब, पो, रोन आदि नदियों के डेल्टा इसी प्रकार के हैं। पंजाकार डेल्टा। इसका निर्माण अधिक वेग वाली नदियों के द्वारा सूक्ष्म कणों से होता है जो सागर में दूर तक पहुंच पाते हैं। नदी इन पदार्थों सहित दूर तक सागर में प्रविष्ट होती है और आगे कई धाराओं में बढ़ जाती है। ये सभी शाखाएं अपने किनारों पर महीन पदार्थ जमा करती है जिससे डेल्टा का आकार हाथ की उंगलियों जैसा हो जाता है या पक्षी के पंजे के जैसा होता है। मिसिसिपी का डेल्टा इसका प्रमुख उदाहरण है। ज्वारन नदमुखी डेल्टा या एस्चुरीन नदी का जलमग्न मुहाना जहां सागरीय लहरें या ज्वारीय तरंगे निक्षेपित पदार्थ को बहाकर ले जाती हैं, एस्चुरी कहलाता है। ऐसे मुहानों में अवसाद के निक्षेपण से लंबे व संकरे डेल्टा का निर्माण होता है। हडसन की एस्चुरी इसका एक उदाहरण है। द्वारिका तट पर नदी भी इसका एक उदाहरण है। अग्रवर्धी डेल्टा। अधिक प्रबल सागरीय लहरें मुहाने पर निक्षेपित जलोढ़कों को मुहाने के पार्श्वों की ओर फैला देती है जिससे पार्श्व मुड़ जाते हैं तथा नोकदार डेल्टा का निर्माण होता है। भूमध्य सागर तट पर टाइबर डेल्टा ऐसा ही एक उदाहरण है। विस्तार की दृष्टि से डेल्टा निम्न प्रकार के होते हैं। प्रगतिशील डेल्टा, अवरोधित डेल्टा और परित्यक्त डेल्टा। थैंक यू।